जिस गुड क्वेश्चन या किसी टाइप जरूर होगा, क्योंकि जब हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं और इस रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने कहा कल आज हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है मसूदी साहब, उन्होंने कहा कि 28 को उन्होंने डेट दिया उनको, हम अपना स्टैंड देंगे उसमें जो हमारा स्टैंड है इसके बारे में, तो उसके बाद जो एक्शन होगी वो पार्टी बैठेगी उसमें बाजार जब फैसला करेंगे, जो होगा वो आपको आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पैरामीटर सेट रखे हैं कमीशन के तो उसको सराहा है, लेकिन दूसरी जानब आप भी यहाँ पे इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं और पीजीएजीडी की मीटिंग भी आज हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट रखेंगे, तो वो जो कल खबर आई थी उसके बारे में क्या? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने दुश्मन है, सतत हर से है, जिन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक गलत इमेज में पेश करना चाहा। आप कल देखेंगे कुछ लीडरों ने ऐसा बयान दिया था जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, ऐसी सिचुएशन एक क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फेल हुए। जब असल बात सामने आ गई, जब ये आ गया कि वहाँ डॉक्टर साहब ने क्या बात कही है, उसने कहा वी आर नॉट बी सिग्नेटरी टू दिस रिपोर्ट, तो उसमें जो लोगों ने बात की थी वो खुद नंगे हो गए, जो एक मनीषा ने बात की थी उसको शर्म नहीं उठानी पड़ेगी, जब ये बात हुई नहीं और एक मिनिस्टर बात करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर बात करता है, जब जो कि बिल्कुल गलत बात है, जो कि सच पे मबनी नहीं है, लिहाजा उन्होंने कोशिश की थी एक ये इंप्रेशन देने की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना तेवर अपना रंग बदल दिए, लेकिन वो फेल हुए। आज के न्यूज़पेपर्स में सारी बात आई है और जो हकीकत है वो सारी उन्होंने रखा है, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंड क्या है, मसूदी साहब ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उमर साहब ने कितने बजे ट्वीट किया, उसमें क्या कहा, वो सारी बात हमने मजा आती। सर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि बाकी पार्टियां भी उसमें शिरकत करें जो कि पीएचडी में नहीं है? जो पीएचडी ने फैसला किया वो फोरम अलग फोरम है, उसमें सब जमातें हैं, महबूबा जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, बाकी जमातें हैं, तो उसने हमारे लिए जो डायरेक्शन होगी हमारे लीडर की, जो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में करना है, जो हमें डायरेक्शन होगी हम उसको फॉलो करेंगे फुल स्ट्रेंथ के साथ। सागर साहब, कुछ दिन पहले उमर साहब ने ये बात शायद बांडीपोरा में दोहराई थी कि डेलिमिटेशन प्रोसेस फास्ट ट्रैक पर चल रहा है, इसलिए कि ताकि कल को असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया जाए, डेलिमिटेशन में देखिए कि जो फेवर हो रहा है वो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल को भी हो रहा है, कल को हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी उसको पेश किया जाएगा, क्योंकि आपकी एफबीएस की तरफ से जो रिट वहाँ दायर हुई है उसको भी कल वहाँ रद्द किया जाएगा, इसी बुनियाद पर कि जो डेलिमिटेशन है इसमें जो ज़्यादा फॉल